और उन्होंने मन लालच सी फिबाचार का लालच बुराई का लालच वादा गया बुरी संगत का लालच वादा गया। अज वेखो जो तुम एक दो दिन वचन पढ़ोगे शैतान तुहाडे मन के अंदर बुरे बुरे ख्याल बुरिया बुरिया गल्लां लाएगा बुरे बुरे सवाल जिंदगी गलबात करेगा नहीं तू एहो जी जिंदगी जी कुछ नहीं रखिया परमेश्वर दे विच कुछ नहीं रखिया बाणी पढ़ दे विच ऐस परस्ती कर ऐस दी जिंदगी जी। वेखो कई बारी जिहड़े प्रेयर करदे ने कहते हफ्ता बंद प्रेयर करके देखन उन्हां नूं गंदे सुपने आउणगे गंदे ख्याल आउणगे गंदी सोच शैतान उन्हां दे मनां दे विच लैके आएगा। किहदे बच्चे बनना परमेश्वर दे कि शैतान दे। और कलाम दे विच लिखिआ कि परमेश्वर उन्होंने नफरत करन लग पिया शैतानी बच्चे कहन लग पिया। क्यों कहन लग पिया? क्योंकि अन आज्ञाकार सन। अगर असि वचन पढ़ने विच आज्ञाकार नहीं आ प्रार्थना करने विच आज्ञाकार नहीं आ वचन के मुताबिक चलन वाले नहीं आ ते असि अज भी नरक दे विच आ अज भी 666 दी मोहर तुहाडे मत्थे उत्ते लगी हुई है। प्रभु भोज में शामिल होंगे हो कभी वेख्या एक दरिया मिठा जा कौड़ा पानी निकलता देखा 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 कि जीव के दोवें पानी निकलते कौड़े भी मिठे मैं तेरे कामों को जानता हूं। और परमेश्वर के कलाम के विच लिखिया वो कह रहा मैं तेरे कम्मां नूं जानदा तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गरम। हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है हमको ना तू ठंडा है ते ना गरम। ठंडा किदां दा? जां ते शैतान दे हो जाओ ते जां परमेश्वर दे हो जाओ। गर्म यानी कि मसा दे विच भरे रहना पवित्र आत्मा दे विच भरे रहना। दुनियादारी दे काम नहीं तुहाडी जिंदगी विच होने चाहिए बल्कि परमेश्वर दे विच बने रहना प्रार्थना विच बने रहना इधर उधर दीआं गल्लां वल मन नहीं लगाउणा सिर्फ वचन दे विच मन लगाउणा। अज वेखो अपनी जिंदगी वल झाटी मार के अज तुसीं संसार नूं गल्लां विच मन लगाया होया वा गुस्सा तुहाडी जिंदगी विच लड़ाई झगड़े तुहाडी जिंदगी विच नफरत तुहाडी जिंदगी विच वैर क्रोध तुहाडी जिंदगी विच कोई बदलाव नहीं कोई चेंज नहीं। और तुसीं हर समय अपना बीज भी पाउंदे हो परमेश्वर दे घर भी आउंदे हो ते बदलाव होंदा परमेश्वर कह रहा है जां ठंडे हो जाओ ते जां गर्म हो जाओ। ठंडे होना कि गर्म किदां दे होना जे दियो जवाब वचन कोई हो रहा पर परमेश्वर चाहता कि यही वचन। हालेलुया परमेश्वर कह रहा मैं तुहाडे कम्मां जानदा तुहाडियां कमियां नूं जानदा। काम वेखो केड़े कर रहे हो हाथ विच बाइबल आ ते काम केड़े कर रहे हो एली दे बच्चियां दे। हालेलुया ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਏਲੀ ਦੇ ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਜਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ
पाप नाल भरे हो नशे दे नाल विभाचार दे विच शैतान दे वस विच तुहानूं दिखणगे परमेश्वर तो दूर दिखणगे दुनियादारी दे काम उहनां दी जिंदगी विच तुहानूं दिखणगे परमेश्वर कह रहा है बोल रहे अपने आप नु बदलो अपने चरित्र नु बदलो तुसी जिस समय तौबा की बपतिस्मा लिया तुसी कह दिता कि प्रभु जी आज तो मैं कोई पाप नहीं करना कोई गुनाह नहीं करना कोई गलती नहीं करनी वचन दे विच लिखिया कि उस समय अपनी ते फाइनेंस नु मरना पिया जिस समय उन्होंने परमेश्वर दे कलाम नु सड़िया हालेलुया और उन्होंने नगर इसराइलियों को परमेश्वर का नेम का संदूक होया गया अज भी देखो तुहाडे बच्चों के जीवन तुहाडे जीवन शैतान वचन थोके ला चुका है हालेलुया सही है कि गलत है अज तुहाडे बच्चे नशे दे विच हन पाप दे विच हन लड़ाई झगड़े दे विच हन वैर विरोध दे विच हन बुरी संगत में चाहना गलती के लिए असी बच्चे ने देख लेंगे अनदेखा कर देंगे ये भी कहते से कि तेरे बच्चे आ काम कर रहे ने वो कहता पुत्रों सुधर जो बदल जो पर वो डंडे नाल नहीं सी ताड़ता वचन में लिखिया अपने बालक नु तार जो तेन सुख देगा की देगा तेन सुख दस साल की उम्र तक तुसी बच्चे परमेश्वर के घर में लेके आ सकते हो अगर तुसी कंट्रोल कर लिया तो समझ लो बच्चे तुहानू सुख दे अगर तुसी कंट्रोल नहीं किया बच्चों के कहने में आ गए ना पास्टर जी मेरा बच्चा तो कहता मैं तो उत्थे ही ला के जाना है मैं चर्च विच नहीं आना पास्टर जी मेरे बच्चे तो कम्मां कारां विच बिजी ने ते मुड़के गाना करो दुआ नशा सड़ जाए करो दुआ बुरी संगत सड़ जाए करो दुआ ओदा जीवन बदल जाए पर तुहाडे कोल मौका सी ओना लई प्रार्थना करन दा ओना लई फाइटिंग रखन दा ताकि तुहाडे बच्चे बदल जान और दाऊद भी कहंदा रिया कि नहीं मेरे बच्चे बदल जाणगे बदल जाणगे बदल जाणगे छोटे ने छोटे ने अजे 10 साल दा है अजे 15 साल दा है कोई गल नहीं सुधर जाएगा सुधर जाएगा असि कई बार घर में बंदगी कराने मुड़के डीजे ते भंगड़ा पाने बच्चों के नाल भंगड़ा पाने कहने ला पुत मैं भी शैतान नु खुश कर दी ते तू भी खुश कर हालेलुया और बंदगी का सारा फल उत्थे ही खत्म हो जाता है जदों तुसी शैतान नु पैर दे दे दी बाद च ओ सारा फल वापस ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ परमेश्वर ने बरकत देनी जे तुसी ठंडे हो गए तो ठंडे लोग किथे जाने जे किथे जाने नरक दे विच जाने ते परमेश्वर कह रहा गर्म हो गर्म हुण समा ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
पाठ जी कहते प्रार्थना करनी आयो कहते नहीं पाठ जी ठंड पड़ी जिते प्रभु यीशु मसीह ने आना तुहानू नहीं पता होना केड़ा मौसम होना ठंड च आके ता भी ओके जे गर्मी च आ गए ता भी ओके ये हम थोड़े ते डिपेंड है कि अपने शरीर की सुननी कि बच्चों की सुननी कि अपनी मर्जी करनी कि परमेश्वर की मर्जी करनी वचन कह रहे धन्य है वह इंसान जो वचन को सुनता है पढ़ता है वो धन्य होगा जो चलता है वो दिन भी ज्यादा धन्य होगा किदा दे बनना चाहिए हालेलुया हालेलुया पढ़ांगे प्रकाशा वाक्य भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता और परमेश्वर का कलाम कह रहा भला होता तू ठंडा या गर्म होता आधा जाते शैतान का ही हो जाता तो जाते परमेश्वर का ही हो जाता आज लोग शैतान को खुश करी जा रहे हैं परमेश्वर को भी खुश करी जा रहे हैं कहते कोई नहीं बंदगी करा ली है कुछ नहीं होना पर बरकत उठ जाती उस समय उपदेश कहता बरकत लैन आया सजा कहते लाजीना बंदगी चौकसी अपने शरीर की अपनी अखां की अपने मन की अपने जीवन की राखी करनी है हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर का कलाम कह रहा भला होता तू ठंडा या गर्म होता हाँ जी इसीलिए कि तू गुनगुना है और परमेश्वर का कलाम कह रहे तू गुनगुना है ना ठंडा ना प्रेयरफुल ना चेतावना ना परमेश्वर दा दिखावे दी भक्ति ना करो दिखावे दी प्रार्थना ना करो दिखावे दे विश्वासी ना बनो परमेश्वर ने तुहाडे खाने नूं नहीं वेखना तुहानू वेखना कि तुही किन्नी अहमियत दे रहे हो खुदा नूं वचन नूं प्रार्थना नूं किन्नी अहमियत दे रहे हो ये तुहानू वेखना उन्हें किन्ना तुसी प्रार्थना करदे हो दास ने ते कहना वचन दे द्वारा कि प्रार्थना करो धन इंसान बनो उहदे धियां पुत्तर धन बनो जिन्ना तुसी वचन पढ़ोगे उन्नी तुहाडी नॉलेज वधेगी तुहाडियां कमियां खत्म होणगियां तुहाडा बदलाव आएगा कि बल्ले बल्ले गुस्से नाल ते मूसा दूरों ही देश वेख्या उहने छोटी जी गलती ने उहनूं दूरों ही देश विखाया उहदे अंदर एंटर नहीं होण दित्ता ते तुसी अपने गुस्से दे नाल स्वर्ग च कितना जाओगे जाओगे छोटी छोटी गलती नाल ही परमेश्वर ने उहनूं दूरे दिखाता जा देख लो पर अंदर नहीं जा सकता दूध ते शायद ही अंदर किन्नू परमेश्वर ने क्या है मूसा ने क्या जा मेरे लोकां नूं बाहर लेके जा दूध ते शदीए शहर दी नदियां विच उस शहर दे विच सामलो पर वो खुद नहीं जा पाया अपने वाल वेखो कि मैं किथे जाना मैनू परमेश्वर ने कादे वास्ते चुनिया मैनू परमेश्वर ने कादे वास्ते हेल्पर बनाया मैनू कादे वास्ते परमेश्वर ने अहुदा दित्ता वा उन्होंने अपने अहुदे दा गलत इस्तेमाल किया उन्होंने जाजकाई का अहुदा मिलिया पर उन्होंने जाजकाई नूं गलत संबंधां दे नाल बदल दित्ता गलत रिलेशन दे नाल बदल दित्ता ते परमेश्वर ने उन्हां ते बवा भेज दित्ती ओह बवा जिहड़ी मौत दे विच बदल गई आ उन्हां दे देश दे विचों परमेश्वर दा कलाम फिलिस्तीनियां को चला गया अज भी वचन तुहाडे को खो के कौन लै लैंदा शैतान लै लैंदा कौन लै लैंदा सही है और परमेश्वर शहर आया जहां जहां तो ठंडा हो जाओ जहां प्रार्थना करनी बंद कर दे शरीर की हो जाओ शरीर शैतान को खुश करी जा शैतान दे काम करी जा परमेश्वर दे काम रहन दे फिर आंदा तू गुणगणा दोवे काम करी जा रहा एक बने परमेश्वर नु भाल लिया दूसरे बने शैतान नु भाल लिया दोवां नु इस्तेमाल करी जा रहा दो
दोवे करने चाहिए। हालेलुया। सब्जी एक खाओगे तो तुम स्वाद आएगा, ते दो दो सब्जियां खाओगे तो फिर कहना यार आ स्वाद ही आ स्वाद नहीं होनी। हालेलुया। दाऊद कहता चप्पल ते वेखो जहोवा अगर चाहते हो कि साड़ी जिंदगी विच भलाई होवे भले काम ते वचन नु खाना शुरू कर चखना शुरू कर दो इहदा स्वाद लैना शुरू कर दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਸੇ ਉਗਲਨੇ ਪਰ ਹੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਦਾਂ इंसान कोई उल्टी करता ना तो दोबारा वापस आउंदी कहिंदा मैं भी एक दिन तुहानूं की करन लगा गलास दे जाने कि परमेश्वर दे वचन दे अनुसार तुसीं कैंसल हो जाओगे किथे जीवन दी पोथी विच ना ना लब्भा जीवन दी पोथी च ना ना लब्भा बड़े तंग कहना भी अभी चर्च जाते अभी तो हर हफ्ते चर्च जाते असं बीज बोते प्रभु भोज में शामिल होंगे पर अंदर दे इंसान बदले नहीं अंदर दा इंसान वही पाप के नाल भरिया शैतान के वस में रहा शैतान दल्लां विच रहा दुनियादारी दल्लां विच रहा दुनियादारी खुश करने वास्ते लगे रहे। हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ संसार अपने शरीर खुश करने वास्ते परमेश्वर छड़ देते हैं वचन छड़ देते हैं प्रार्थना छड़ देते हैं तो की हो जाता कमियां फिर वधनियां शुरू हो जाती पाप वधना शुरू होता और वचन के विच लिखिया अंत के समय जिहड़ा पाप के विच होएगा पाप विच वधेगा जिहड़ा परमेश्वर के विच होएगा वह परमेश्वर के वचन विच वधदा जाएगा। चोण हुण तुहाडे ते आ कि पाप नू चुनना कि परमेश्वर नू चुनना है। हालेलुया। गुलसे जाना जो मुड़ के वापस नहीं आना मुड़ के उत्तर नहीं कहना मेनू दो मौका एक बार मेरे भरा पाप कहो ला जान के एक बार पाचे मेरे भरावान ने बचा लिया मौका शरीर के विच बदल लो अपना अपने सुभा बदल सुन के वचन अज पढ़ना शुरू कर दो बाइबल सुनना शुरू कर दो वचन सुनना और चलना शुरू कर दियो अज तो कि नहीं नहीं मैं नरक विच नहीं जाना मैं अज पाप नु खत्म करना अपनी जिंदगी विचों क्योंकि वचन ते कहंदा कि जिहड़ा वचन पढ़दा है ओह धन आ मैं धन बनना वा मैं काली मूर्ख बना मैं काली पाप दे विच वदा कि परमेश्वर मैंने इसे करके चुनिया है कि मैं ओहदा बेटा बेटी बनवां बेटे बेटी बनना चंगे बेटी बनना के बुरे बेटे ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆ
और मौत का दोषी बना गया। चाहते हो कि मैं प्रेयर खोलूंगा? मैं आज तो वचन पढ़ना स्टार्ट करा, आज तो प्रार्थना करनी स्टार्ट करा, ते बदलो अपने आप, बदलो अपनी जिंदगी, अपने सुभा आदतों बदलो, शरीर कमां छड़ दो अपनी जिंदगी। शरीर भी नहीं नाल जाना, जिन्ना मर्जी भावे सोना होवे, कीड़िया नहीं खाना। कीड़े उठे नहीं दिखने, नरक विच साफ दिखने। नरक स्वर्ग दे खेल विच की है? ओदे विच जिद्दां दे बंदे दे काम ओदां दे कीड़े, ओदां दे कीड़े उन्हें लगने। जिद्दां दे काम ओदां दे कीड़े उन्हें चंबड़ने। ये शरीर नूं नहीं, इह तां सड़ जाणा जां दफनाया जाणा। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚੇ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ। अपने बच्चों का फिक्र परमेश्वर से सोच दो, अपने घर का फिक्र परमेश्वर से सोच दो, अपनी सारी चिंता परेशानी परमेश्वर से सोच दो, अपने सारे कम्मा कारा बिजनेस परमेश्वर से सोच दो। वचन दे विच लिखा जिन्ना चिर हन्ना कुड़कुड़ाउंदी रही अपनी जठानी के विरुद्ध, इन्हू तो बेटे दे दिते ने, इन्हू धिया पुत्र दे दिते ने, मैनू दिता कोई नहीं, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिता। बेसा को हर साल परमेश्वर के भवन में भेट देते से अनाज दी, पैसे दी, सोने चांदी दी, पर फिर भी उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं सी आता। उत्तर आंदा आंदा उन्हें कई साल लग गए, कई महीने लग गए, पर जवाब नहीं आया। जो तुम कुड़कुड़ाओगे कि परमेश्वर मैंने तो दिता ही कोई नहीं, तुहाडा पिछला भी की हो जाएगा। इसलिए भलाइया नेकियां प्रार्थनावां व्यर्थ हो जाती। हालेलुया। कई बार वेख्या ना, जो तुम किसी नाल भलाई करते हो, किसी नाल चंगा काम करते हो, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ। परमेश्वर चाहता अपने आप को बदलो, परमेश्वर की हजूरी में आओ, और जो भी आओ कहना प्रभु जी मैनु वचन सुनने वाला मन दे, वचन सुनने वाला मन दे, और चलन वाला मैनु सुभा दे, शरीर दे, आत्मा दे, और अखां नूं देखण वाला वचन दे। वी अखां जदों देखे ते वचन देखे, मन दे विच आयतां आउण, मन दे विच अगर तुसीं किते जा रहे हो तुहाडे मन दे विच वचन होण, और ओह वचन तुहाडी अखां दे अगे नजर आउण, पाप ना नजर आए। जे तुसीं वचन पढ़ते हो कि फेर ही आएगा,
ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ। ਵਚਨ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਾਂ, ਖੋਲ ਦੋ ਕੰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਗੇ ਧੌਣਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਧੌਣ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟਾਫ ਪੈਂਦਾ ਹਿਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ।